हाय फ्रेंड्स, तो ये मेकअप मैंने किया था कल, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ छोटी सी क्लिप इसकी शेयर की जाए। ऐसी ब्राइडल थी और इस तरीके से मेकअप हुआ था। कैसा लग रहा है आपको मेकअप, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो आज का हेयर स्टाइल है वो भी काफ़ी अच्छा है। इनका हेयर स्टाइल मैंने कैसे किया था अगर आपको देखना है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अपने बालों पर बना के आपको दिखा दूँगी। तो चलिए ब्यूटीफुल सा हाई बन देखते हैं कैसे बनाना है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी है और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ब्यूटीफुल हाई बन हेयर स्टाइल। साड़ी के लिए बेस्ट रहेगा, तो अगर आप साड़ी पहनते हो तो ये हेयर स्टाइल जरूर ट्राई कीजिएगा। एंड आपके बाल भी इस तरीके से छोटे हैं थोड़े, तो आप ट्राई कर सकते हो ये हाई बन, और काफ़ी स्टाइलिश एंड अट्रैक्टिव लगेगा। तो कैसे बनाना है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि किसी तरीके की न्यू न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। मेरा ब्लॉग वीडियो देखने के लिए मेरे ब्लॉग चैनल पर प्रीति वाई टू, उसमें सिलाई एंड ब्लॉग से रिलेटेड और वीडियोज आपको डे बाई डे मिलते रहती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने क्राउन एरिया के हेयर को इस तरीके से लेना है राउंड में, और अच्छे से कॉम कर लेना है। कॉम करके रबड़ बैंड लगाने के बीच में ओके। उसके बाद आपको लेना है डोनट वन, और ये को चारों से फैला देंगे ऐसे, और एक पतला वाला रबड़ बैंड लेंगे ये वाला, और डोनट बन के ऊपर से इस तरीके से लगा देंगे ओके। अब जो ये आपका हेयर है इसको सिंपली ट्विस्ट करेंगे, सारे हेयर को एक साथ मिक्स करके ट्विस्ट कर लेंगे। और यू पिन की मदद से इसको सिक्योर करेंगे। अगर शादी वगैरह में बना रहे हो तो ये भी आप बना सकते हो, लहंगे पे काफ़ी अच्छा लगेगा। उसके बाद आपको बैक से हाफ हाफ पार्ट कर लेना हेयर का ओके, और इस साइड से इतने हेयर लेना है। अगेन यू पिन लगा देंगे, इसे दूसरी साइड के हेयर को देंगे। दूसरी साइड लेके आएंगे और ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्ट करके फिर से यू पिन से इसको सिक्योर करेंगे। अब आपको इस साइड के हेयर को लेना है, आपको लेयर्स निकालने हैं, पहले निकाल लीजिएगा उसको कर्ल्स कर लीजिएगा।
अच्छे से कॉम कर लेंगे और फिर से इस साइड के हेयर को भी अच्छे से कॉम करके ट्विस्ट करेंगे। बैक साइड में लेके जाएंगे एंड यू पिन से सिक्योर कर देंगे। इसके साथ आप पल्लू वगैरह सेट करोगे तो काफ़ी अच्छा और अट्रैक्टिव सा लुक आएगा। बट अगर आपके बेबी हेयर्स हैं मेरी तरह जो कि का बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो आप इस तरीके से सेटिंग स्प्रे ले लोगे एंड इसको कॉम पे इस तरीके से लगाओगे, डायरेक्ट बालों पे भी लगा सकते हो, देन इसको सेट कर दीजिए। तो इस साइड तो हमने लेयर्स निकाले हैं, तो इस साइड भी आप जरूर निकालिएगा। ओके और ये हमारा फाइनल लुक है, साड़ी के लिए बेस्ट रहेगा। मांगटीका लगाना है तो आप मांगटीका लगा सकते हो, और भी ज़्यादा खूबसूरत लुक दिखाने के लिए अपने हेयर स्टाइल का। वेडिंग पार्टी के लिए बता रही हूँ तो आप इस तरीके से मांगटीका सेट कर सकते हो, जिस भी टाइप का मांगटीका है आपका, और अपने बालों पे पल्लू वगैरह सेट करोगे तो काफ़ी इजीली सेट हो जाएगा आपका। तो पल्लू लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, बिल्कुल भी बिगड़ेगा नहीं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी इस तरीके की ईजी अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल से हेयर स्टाइल्स देखने के लिए। आगे से थोड़ा थोड़ा खींच लीजिएगा जिससे कि थोड़ा बाउंसी लुक लगे आगे का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। Thank you.